नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुली यादव। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, जिसके चलते बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किसानों और मजदूरों के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिसमें वित्त मंत्री ने किसानों को कर्ज चुकाने के लिए 3 महीने की छूट दी है। इसके अलावा फसलों पर इंसेंटिव को भी 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया गया है। तो वहीं किसानों के लिए 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इसके तहत करीब 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने 3 लाख करोड़ किसानों को नाबार्ड की मदद से 30,000 करोड़ का एडिशनल फंड लोन के रूप में देने की बात कही है। इसके साथ ही सरकार ने पिछले 3 महीने में 86,600 करोड़ के ऋण को मंजूरी देते हुए राज्यों द्वारा किसानों को 6,700 करोड़ की मदद देने का भी दावा किया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने वन नेशन वन कार्ड, स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक सहायता की स्कीम, शहरी गरीबों के लिए सस्ती रेंटल स्कीम, मुद्रा शिशु लोन, आदिवासियों के लिए रोजगार की योजना, न्यूनतम मजदूरी को यूनिवर्सल बनाने सहित कई स्कीमों का भी ऐलान किया है। हाल ही में केरल के कोल्लम के रहने वाले एक किसान ने एक ऐसे कटहल का उत्पादन किया है जिसको देखकर कई लोग हैरान रह गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोल्लम के एडमुलक्कम के रहने वाले एक किसान परिवार ने दावा किया है कि उन्होंने अपने खेतों में दुनिया का सबसे भारी भरकम कटहल उगाया है, जिसका भार करीब 51.5 किलो है, जिसे विश्व का सबसे भारी कटहल भी बताया जा रहा है। किसान जॉनी कुट्टी का इस बारे में कहना है कि जब उन्होंने इसको देखा तो उनके कटहल के पेड़ पर एक बहुत बड़ा कटहल लटका हुआ था, जो कि आम कटहल से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उन्होंने तुरंत कटहल को नीचे उतारा। इससे पहले पुणे के किसान ने सबसे भारी 42.72 किलो का कटहल उगाया था। आपको बता दें कि करीब 51.5 किलो का कटहल उगाने वाले किसान परिवार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया है। बीते कुछ दिनों से लगातार बदलते मौसम के मिजाज से जहां किसान परेशानी में हैं, तो वहीं मौसम पल पल अपने हाल बदलता नजर आ रहा है। बीते दिन हरियाणा सहित दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर जमकर ओलावृष्टि हुई, तो कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और आंधी ने किसानों को और ज्यादा परेशान कर दिया। नज़ारा ऐसा था कि दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर ओलों की परतें तक बिछ गई। ऐसे में किसानों का कहना है कि अप्रैल में भी लगातार मौसम खराब रहा, जिसकी वजह से गेहूं की हार्वेस्टिंग समय पर नहीं हो सकी। 13 मई को कुछ किसानों ने हाथों से जो गेहूं काटा था उसकी थ्रेसिंग की है, तो वहीं बार बार बारिश की वजह से गन्ने की फसल में चोटी बेदक नाम के बीमारी के साथ साथ कई और बीमारियां भी लग रही हैं, जबकि टमाटर पर ओले गिरने की वजह से धब्बेदार होकर टमाटर गल रही हैं। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो 16 से 20 मई तक मौसम साफ बने रहने का अनुमान है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।